मैं डॉक्टर रुचि पांडे बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के लिए आज लेके आई हूँ SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम कर चुके हैं सारे हाइब्रिडाइजेशन SP SP2 SP3 SP3D SP3D2 और आज हम लेके आए हैं SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। तो नाउ स्टार्ट द SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन मींस व्हेन 1s and 3p and 3d orbital of the valence cell of the central atom is given, molecules or ion mix up together, a set of 7 new orbit is formed. This process of mixing is called sp3d3 hybridization, and new orbits form are known as sp3d3 hybrid orbitals. Kya matlab hai ki jab ek s 3p aur sath mein 3d डी कौन कौन से डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल मिक्स होकर टोटल लाकर 7 ऑर्बिटल बनाते हैं, 7 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं हम SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। तो टोटल लाके कहते हैं यहाँ पे 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं किसमें SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन में। 7 कैसे हुए कि एक एस हो गया 3p हो गया, एक एस 3p और 3d टोटल मिला के कितना होगा 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है, प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम कौन से हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। सो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल द 7 हाइब्रिड ऑर्बिट्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप एंड आर ओरिएंटेड टुवर्ड द 7 कॉर्नर ऑफ द रेगुलर पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दैट इज देयर स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या मतलब है कि सब के सब 7 के 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, शेप होती है एंड शेप आर ओरिएंटेड टुवर्ड द 7 कॉर्नर। वो कितने कॉर्नर पर अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज इन द 7 कॉर्नर रेगुलर कौन से स्ट्रक्चर में, रेगुलर पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, रेगुलर पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। कहने का मतलब है कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, रेगुलर पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 7 कोने में जुड़ा हुआ पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। पेंटागोनल का मतलब होगा 5 कॉर्नर, बायपिरामिडल एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, इसलिए टोटल मिला के कितने हो गए 7 ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं उसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का, ऑल ऑफ देम डू नॉट लाइज इन वन प्लेन। ये 7 ऑर्बिटल जो बनते हैं सबके सब एक प्लेन पे नहीं होते हैं, दे डू नॉट इन लाइन वन प्लेन, 5 ऑफ देम इन द पेंटागोनल प्लेन, क्योंकि इसका नाम है पेंटागोनल बायपिरामिडल, यानी कि कहने का मतलब है कि 5 जो होंगे पेंटागोनल जो होंगे एक प्लेन में होंगे, पेंटा 1 2 3 4 5, 5 के 5 क्या होंगे 1 2 3 4 और 5, 5 एक प्लेन में होंगे। दीज आर नोन एज द बेसल प्लेन एंड और इक्विटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाइल रिमेनिंग ऑफ 2 आर एक्सियल हाइब्रिड। इसके अलावा जो बच गए रिमेनिंग ऑफ 2 इज द एक्सियल हाइब्रिड प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, यानी कि अप ऑफ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, क्योंकि ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल है, एक पिरामिड के ऊपर और एक पिरामिड के नीचे, पासिंग ऑन द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द पेंटागोनल प्लेन। प्लेन के मध्य में से एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द पेंटागोनल, प्लेन के एक्सिस के मध्य में से होकर गुजरते हैं। तो टोटल मिला के 7 ऑर्बिटल का निर्माण होता है और हमारा क्या स्ट्रक्चर क्या कहता है, पेंटागोनल पाइपिरामिड स्ट्रक्चर कहलाता है, यानी कि 7 के 7 ऑर्बिटल एक प्लेन पे नहीं होते हैं, 5 एक प्लेन पे होते हैं, रिमेनिंग एक अबव द प्लेन और दूसरा क्या होता है बिलो द प्लेन होता है। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इज दैट द एंगल बिटवीन एनी एडजस्टेंट पेयर ऑफ बेसल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 72 डिग्री एंड द बिटवीन एन एक्सल एंड बेसल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द 90 डिग्री। जो एंगल होता है बेसल हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का जो होता है आपका एंगल वो होता है आपका 72 डिग्री एंड द रिमेनिंग बेसल हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल ही था 90 डिग्री। ये जो बने हुए एंगल होता है दैट इज द 90 डिग्री। ये बेसल पर बना हुआ 72 होता है और रिमेनिंग जो होता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है।
जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास IF7, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है IF7। अब मैंने कहा इसका एंगल बेसल पर 72 डिग्री होता है, रिमेनिंग जो होता है आपका बेसल हाइब्रिड पर 72 होता है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग बच जाता है यानी कि तल के ऊपर और तल के नीचे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ IF7 के हाइब्रिडाइजेशन। हमने एग्जाम्पल लिया IF7 का हाइब्रिडाइजेशन। IF7 इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, ये एक इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। Now, first of all, we observe that what type of hybridization present in the IF7. It is sure that its sp3d3 is clear, is not. First of all, we find out the what type of hybridization in the IF7. So now we find out the hybridization in IF7 on the basis of formula, that is H is equal to 1 by 2 V plus M minus C plus A. इस फॉर्मूले को मैं पहले भी आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Now, first of all, 1 by 2, V means the valence electron of the central atom. The central atom is the iodine. So now, in the iodine, the atom number on the basis of iodine, because it is the halogen compound, in the outermost orbital, the number of electrons is 7. ठीक है, प्लस एन इज द मोनोवैलेंसी, सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में कितने मोनोवैलेंसी वाले एटम प्रेजेंट है, देयर इज 7 एटम इज प्रेजेंट, सो नाउ राइट आउट द 7। सी इज द कैटायन, नो कैटायन इज प्रेजेंट, सो नाउ द वैल्यू शुड बी 0, एंड सिमिलरली इन द फार्मूला नो एनायन इज प्रेजेंट, द वैल्यू शुड आल्सो बी 0, सो नाउ 7 प्लस 7 इज द 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज वैल्यू ऑफ 7। 7 मींस द 7 ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। इसका मतलब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, दैट इज श्योर। सो हाउ टू फाइंड आउट द व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वी ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, यू नो दैट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज 5s2 5p5, the electron configuration of adding atom number is 53, so find out the hybridization, if that is 5s2 5p5, outermost orbital mein kitne electron honge, 7 electron hai, so now iodine in the ground state, iodine ko ground state pe show karenge, so this is the what, this is, so now this is the ground state, ab hum isko show karenge 5s, so this is the 5p orbital, 5s में number of electron आपके कितने हैं, 2 electron, similarly 5p पे number of electron आपके 5 electron है, so 1, 2, 3, 4, 5, हमने 5 electron को हमने show कर दिया, so this is the ground state of iodine, now also explain the 5d orbital in the ground state, ये हम इसमें खाली 5d orbital को show करेंगे, now iodine shown in the excited state, now this is the iodine in an excited state, iodine को excited state में, so excited state में the pair of electron due to the hybridization process move to the hybrid orbital, next hybrid orbital equivalent amount of hybrid orbital, equal amount of energy के hybrid orbital की तरफ move कर जाएंगे, so this electron move to the this orbital empty orbital, this electron also move to the this empty orbital and this electron move to the this empty orbital, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे एम्प्टी ऑर्बिटल में मूव कर गए क्योंकि इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3d3, सो दिस इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन, 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 और हमारे कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं, दिस इज दिस वन और दिस वन, सो नाउ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑर्बिटल, और यहाँ पर हमारा क्या लग गया, फ्लोरिन, 7 ऑर्बिटल में 7 फ्लोरिन हमारे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन करके, सो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दिस इज 1s3p sp3, और दिस इज द सॉरी दिस sp3 और 3d ऑर्बिटल sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा IF7 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस हुआ, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस हुआ, सो इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो हम इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, तो हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हमारा कैसा दिखता है, देखिए दिस इज द पेंटागोनल 1, 2, 3, 4, 5, पेंटागोनल 5 जो होते हैं एक प्लेन पर होते हैं, यही बोला था मैंने पेंटागोनल बाइपिरामिडल, द नेम इज द बाइपिरामिडल, दैट मींस एक पिरामिड के ऊपर एक फ्लोरीन पिरामिड के ऊपर बॉन्डिंग करेगा और एक पिरामिड के नीचे, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द पिरामिड, सो दिस इज द पेंटागोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर एंड दिस एंगल शुड बी 72। हमने बोला ये एंगल कितना होगा, द बेसल एंगल, ये हमारा जो एंगल होगा दिस इज द 72, हमारा ये एंगल कितना फाइंड होगा, दिस इज द 72, हमारा एंगल होगा 72, एंड रिमेनिंग दिस इज द 90 डिग्री, हमारा ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, सो दिस इज द पेंटागोनल
hexagonal bipyramidal structure in the IF7. So that means what? The sp3 hybridization means the mixing of 1s and 3p and 3d orbital and mix together to produce sp3d3 hybridization, or हमारा structure आपका pentagonal bipyramidal draw गया. So हमारे hybridization थे आपके sp, sp2, sp3, sp3d1, d2 और final हो गया sp3d3. तो हमारे सारे hybridization complete हो गए. So this is the last hybridization, sp3d3 hybridization. Thank you. Have a nice day.